आज हमारे गार्डन में ना इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, और ये तो शुक्र है कि आज किसी ने फूल तोड़े नहीं है। नहीं तो ऐसा हो जाता है किसी किसी दिन की पूजा के लिए एक फूल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आज फूल अच्छे से ले लिए, काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे, कुछ कुछ नीचे भी गिरे थे खिल के, वो भी ले लिए, और कुछ कुछ छोड़ दिए क्योंकि सारा पेड़ खाली कर दो वो भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है पेड़ों पर खिले खिले फूल दिखते रहें, तो पेड़ सुंदर ही उसी से लगता है, तो मैंने कुछ कुछ छोड़ दिए हैं। आज तो पूरा फूलों का गुलदस्ता है जैसे ही मिल गया, और ये भी मैंने ना सुबह सुबह उठ के तोड़े हैं तब है, नहीं तो कोई छोड़ता ही नहीं है। कभी कभी तो एक फूल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने पूजा के बर्तन धो के रख दिए थे, और बस अब पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ मैं, और बस वही पूजा की तैयारी अपने जो भी है। पहले प्लेट को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि प्लेट थोड़ी सी गीली थी, मैंने धो के तो सुबह में रख दी थी लेकिन पानी नहीं सूख रहा था, तो मैंने फिर एक साफ़ कपड़े से प्लेट को साफ़ कर लिया। और बस अब उसी के साथ साथ अब मैं अपनी पूजा की तैयारी शुरू करूँगी और कथा पढ़ूँगी। तो बस मैं वीडियो को फास्ट करके आगे आगे बढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने ना कैमरा चालू करके छोड़ दिया था और वीडियो बनती रही, काफ़ी लंबी हो गई थी, तो बस मैं स्पीड में करके उसको कटिंग नहीं करूँगी, स्पीड में कर दूँगी। सुबह सब लोगों के जाने के बाद मैं अगर पूजा करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा निश्चिंत होकर आराम से पूजा कर पाती हूँ। नहीं तो इतनी हड़बड़ी रहती है कि उधर उनकी ड्यूटी रहती है, उधर बेटे का स्कूल रहता है, तो फिर बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करनी पड़ती है, पर ध्यान काम में ही पड़ा रहता है। तो वो सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है वैसे कि कभी कभी मेरे साथ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी के साथ होता है, क्योंकि ध्यान हमारा किचन में पड़ा रहता है, ये करना है वो करना है, ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए। तो मैंने सोचा आज इन सबको भेज के आराम से निश्चिंत होके तभी पूजा करूँगी। अगर मैं इन सब के रहते पूजा करती हूँ ना, तो जैसे मैं वीडियो को फास्ट करके बढ़ा देती हूँ, वैसे ही मैं फिर पूजा को फास्ट फास्ट करती हूँ। कथा ना इतनी फास्ट पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी ये है कि अभी अकेले हूँ, आराम से शांति से पूरी सब तैयारी के साथ अच्छे से पूजा करूँगी, मन लगा के पूजा करूँगी, और फिर उसके बाद मन लगा के कथा भी पढ़ूँगी, तो कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। और इस टाइम में सुबह में किसी के आने वालों का भी इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, स्कूल के बच्चे कुछ कुछ सामान लेने आते हैं, तो अभी वो बच्चे भी चले गए हैं, तो अब बच्चे बच्चा कोई नहीं आएगा और कोई कस्टमर ऐसा सुबह सुबह इतनी जल्दी आने वाला नहीं रहता। तो बस ये है कि मन लगा के आराम से शांति से पूजा हो जाएगी मेरी। कई गुरुवार से ऐसा हो रहा है कि ना पूजा तो हो पा रही है लेकिन मैं कथा नहीं पढ़ पा रही, तो फिर एक खालीपन सा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पूजा ही नहीं करी कई गुरुवार से। तो बस मैंने आज सोचा कि शांति से इन लोगों को भेज के आराम से ही पूजा करूँगी, भले मुझे नाश्ते में लेट हो जाए चलेगा। तो बस ऐसा होता है कि ये ना मेरी हैबिट में आ गया है, 8-9 साल हो गए मुझे ऐसे ही पूजा करते करते। पहले व्रत भी रखा करती थी, 1-1.5 साल मैंने व्रत रखे, उसके बाद फिर मैंने छोड़ के उद्यापन कर दिया, क्योंकि मुझे ना व्रत रख रख के दिक्कत होने लगी थी। शाम होते होते ऐसा हो जाता था कि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती थी, मुझे उल्टियाँ होने लगती थी, सर में दर्द होने लगता था, तो बस फिर उसके बाद मैंने व्रत रखना छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि पूजा तो मन से होती है, ज़रूरी नहीं है व्रत रख के ही हम करें, अगर मन में श्रद्धा हो तो मन में श्रद्धा लेके आदमी कर सकता, तो वो सही बात है। और पहले मेरे पास ना केले के पेड़ भी थे, तो आजकल मैं केले के पेड़ में पूजा नहीं कर पाती हूँ, मेरी ही गलती है कि मैंने ना केले के पेड़ कटवा दिए। वो इसलिए कटवा दिए क्योंकि हमारे गार्डन के बाहर ना ऐसे सांप आते जाते दिख रहे थे, बड़े बड़े सांप, तो सब लोग बोले कि मेरे गार्डन में केले के पेड़ हैं इसकी वजह से सांप आते होंगे। तो मैंने बस डर की वजह से ना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मेरा रूम है, डर की वजह से मैंने केले के पेड़ कटवा दिए। पर मैं अब क्या करूँगी ना, किसी टब बाल्टी में एक छोटा सा केले का पेड़ अगर मुझे मिलेगा तो मैं फिर से लगाऊंगी, क्योंकि इसमें केले की पेड़ की पूजा करनी ज़रूरी रहती है। हाँ वैसे मैं ना सारे नियम करती हूँ, बस एक व्रत ही नहीं रखती हूँ, मैं कथा भी पढ़ती हूँ, बिना साबुन के नहाती हूँ, पीला खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन केला नहीं खाती हूँ मैं बिल्कुल भी। गुरुवार के दिन मैं आज भी केला नहीं खाती हूँ, क्योंकि कथा में लिखा हुआ है कि जो इस व्रत को करते हैं वो गुरुवार के दिन केला नहीं खाएं, क्योंकि इसमें केले के पेड़ की पूजा करते हैं। और मैं ना कोशिश करती हूँ केला बहुत कम खाने की, मैं तो छोड़ ही चुकी हूँ, मतलब एक तरह से बहुत कम मैं केला खाती हूँ, मुझे केला वैसे भी पसंद नहीं है। और कुछ ऐसा इस व्रत का ऐसा हुआ कि जब से मैंने ये व्रत करना शुरू करा, इसमें बोलते हैं कि पीले वस्त्र धारण करते हैं जब पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, पीला खाना खाते हैं, पीले फल खाते हैं, तो बस पीला चंदन लगाते हैं और बिना साबुन के नहाते हैं। लेकिन पहले सच ऐसा होता था कि ना मुझे पीला कलर बिल्कुल नहीं पसंद था। जब से मैंने ये व्रत किया उसके बाद से अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा हो गया कि मुझे ना पीले कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे, और इतने ज़्यादा अभी क्रेज़ हो गया पीले कपड़ों का मुझे कि मेरी अलमारी में मोस्टली कलर आपको येलो कलर ही मिलेगा।
ऐसा मुझे मतलब पीला कलर इतना ज़्यादा पसंद हो गया। तो ये शायद विष्णु भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और उन्हीं का साथ है जो किसी चीज़ में मुझे हारने नहीं देते, टूटने नहीं देते, हर चीज़ में आगे से आगे मेरी सहायता करते हैं। तो मैं मुझे तो इस व्रत को करने के बाद और छोड़ने के बाद भी जो फल मिलता है ना वो फल मिला है। और आज भी ये बात है कि अगर गुरुवार के दिन अधिकतर ऐसा हुआ है कि मेरे जितने भी अच्छे काम हैं ना वो गुरुवार के दिन ही हुए हैं। और आज भी ऐसा ही है कि जो भी उनका नाम लेके मैं कोई काम करती हूँ या मुझे ये विश्वास है कि हाँ ये चीज़ मेरी हो जाएगी तो वो उस चीज़ में विष्णु भगवान मेरा साथ देते हैं और वो काम मेरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं उनका नाम लेके ये बोलूँ कि भगवान मुझे गाड़ी दो, बंगला दो और मुझे रईस बना दो, तो वो नहीं। जो चीज़ें जायज़ हैं, जो हमें मिलनी चाहिए या हमें मिल जाएंगी, जिस चीज़ पे हमें विश्वास है मेहनत करने के बाद, बिना मेहनत करे नहीं, मेहनत करने के बाद अगर हमें लगता है कि भगवान इसका हमें फल देना, तो वो फल मुझे हमेशा मिला है। और अधिकतर मेरे काम गुरुवार के दिन ही होते हैं तो मेरे लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे बहुत फलता है ये दिन। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो देखा मेरी पूजा हो गई और आज है थर्सडे का दिन, गुरुवार के दिन तो पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं कथा पढ़ती हूँ। तो बस पूजा हो गई है मेरी और बाहर का मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। बाहर ऐसी हवा चल रही है, ऐसी तूफानी हवा चल रही है, बस आपको क्या बताऊँ मैं। मौसम तो बस कुछ कहने ही नहीं है, मौसम तो क्या बोलूँ कि किसी दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है और किसी दिन ऐसे हवा चल रही है कि आज ऐसे हवा चल रही है इतनी तेज़ तेज़। और जो ये आवाज़ आ रही होगी ना आपको पीछे, यहाँ पे खेत हैं तो खेतों में लगा रखा है कुछ उन्होंने म्यूज़िक ताकि पक्षी वगैरह ना बैठे। और हवा देखो, पेड़ इतनी तेज़ तेज़ हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत अभी ना इतनी तेज़ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है। तो अभी मेरे पेट में हो रही है गुड़गुड़ क्योंकि सभी कुछ हो चुका है, मैंने नहा ली, पूजा कर ली, बेटा स्कूल चला गया, अब रह जाता है मेरा नाश्ता करना। तो टाइम हो रहा है 8:30 और बस अब मैं चलती हूँ। बाकी तो तैयारी कर रखी है, मुझे चाय बनानी है बस किचन, देखो इस तरह उसका नाश्ता बनाया था मैंने सुबह। और यहाँ पे मैंने बना रखी है कैबेज की सब्ज़ी। तो मैं ना कैबेज की सब्ज़ी इस तरह बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, जैसे मोमोज में भरते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से पराठा खाऊँगी चाय के साथ और अभी फ़िलहाल मैं बना लेती हूँ चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा तलब लगी है अभी नाश्ता करने की, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मैं कंट्रोल से बर्तन में ही चाय बना लेती हूँ, मेरे लिए इसमें काफ़ी होगी चाय बड़े बड़े बर्तन में। फिर थोड़ी सी चाय बनाओ ना तो पता नहीं क्यों चाय का टेस्ट नहीं आता या बर्तन जल के रह जाता है। तो अदरक डालने के लिए अदरक भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं पहले फ्रिज में से निकाल लेती हूँ अदरक। अदरक मैंने डाल दी है, घिस के डाल दी, आज मैंने कूटी नहीं है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती, बस ज़्यादा ना हो जाए कहीं। चाय पत्ती को मैं बड़ा डरते डरते डालती हूँ क्योंकि चाय में डाल देती हूँ चीनी, चीनी और रह गई। तो ये वाली छोटी चम्मच है ना, इसको मैं 4 चम्मच भर के डालती हूँ अपनी चाय में, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत दबा दबा के भर के नहीं, पर हाँ 4 चम्मच डालती हूँ मैं इसमें। तो 4 चम्मच आप लोग ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मीठी नहीं पीती हूँ, नॉर्मल मीठा चाय बनती है, बहुत मीठा तो मैं भी नहीं पी पाती हूँ। तो ये वाला जो मेरा कप है ना, इसको मैं इतना भर के पी लेती हूँ सुबह के टाइम, तो इतने के लिए 4 चम्मच चाय हो जाती है, चीनी हो जाती है। मज़ा आ गया गरम गरम चाय और पराठा। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक आप लोग भी मेरी वीडियो देखते देखते कुछ खा पी लेना। किस किस के घर में ऐसे कबाड़ी हस्बैंड है देखो मेरे घर में तो है इनका कबाड़ खाना आज खुला हुआ है ये देखो
बैग के घिसे हुए व्हील। गाइस ये टोटके वाली ये टोटके वाली चीज है, घर घर के दरवाजे पे लगा दो, कभी घर पे नजर नहीं लगेगी। ये देखो, और ये उनके लिए ना इतने बड़े बड़े कार्टून रख रखे हैं इन्होंने, और उनमें सब सामान ऐसे ही मिलेगा। और ये देखो, ये देख खाली करके दिखा, इसको खाली करके दिखा कवर। ये देखो, ये बड़े ऐसी ऐसी चीजों को बोल रहे हैं संभाल के, बड़े काम की चीज रखी हुई है। ये छोटे देखो बच्चे घर घर खेलते, ये बच्चों के किले की डिब्बी है वो रखी हुई है। और वो क्या हाथ में जो ले रहे हो, मॉप, मॉप का मतलब का जो मॉप है वो ऐसा ही वाला होता है, नहीं बड़ा है, रख दो, वो तो काम की चीज है। जब ये दादा बन जाएंगे ना, जब ये अपने पोते पोतियों को दिखाएंगे, भाई लो बच्चों इनसे खेलो। इन डिब्बियों का करोगे क्या तुम? घर घर खेलेंगे, घर घर खेलेंगे। अब इनके लिए एक गुड़िया ढूंढनी पड़ेगी और एक गुड्डा लाना पड़ेगा, गुड्डे गुड़िया खेलेंगे, घर घर खिलाएंगे उन्हें भी। तो ये तो था एक मजाक, और बस एक छोटी सी वीडियो में बना पाई। इसी के साथ साथ बस अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।